नमस्कार देवी और सज्जनों, आज हम खेलने वाले हैं पमोला मडोरा मडेरा के साथ। पमोला मडोरा के साथ अगला मिशन, जहाँ पे इनके ड्रोन्स का, इनके बनाए हुए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोग गलत हथियार बनाने वाले हैं, तो उसे डिस्ट्रॉय करना है। हमने मिस मडेरा को मना लिया है अपने साथ आने के लिए अपने बेस पे, जहाँ पे वो काम करके स्किल के साथ टेक्नोलॉजी वायरस ऐसा बनाए कि उसको डिस्ट्रॉय कर सके जो काफिला है ड्रोन्स का। लेकिन उसके वहाँ तक जाने से पहले एक छोटा सा काम बचा हुआ है जो हमें करना है यहाँ पे, और वो है कि यहाँ पे मिस मडेरा के बनाए हुए कुछ चीज़ें हैं, कुछ गैजेट्स हैं, कुछ आइटम्स हैं जो इसका इस्तेमाल कुछ लोग गलत तरीके से करना चाहते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं इनके साथ आया हुआ हूँ। आइए फिर ट्राई करते हैं। एक मिनट, हेलो, अब ठीक है। अरे बाबा रे, काफी सारे लोग हैं। तो यहां पे कुछ इसी बेस पे कुछ ऐसा आइटम है जो रखा हुआ है मिस मडेरा साहब के बनाए हुए चीजों के। एक मिनट जरा, मैं इस यार आइटम थोड़ा यहाँ पे कुछ काम धाम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे जरा बात करता हूँ, वरना यहाँ पे सावधानी हटी और दुर्घटना। कंप्लीटेड, बढ़िया। निकलो। अच्छा, अभी और भी है। आगे चलो, अच्छी बात है कि इस चॉपर के अंदर हमें तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, हमें लैंड नहीं करना होगा, वरना फिर दिक्कत होती। मैं मडेरा साहब को मना चुका हूँ अपने साथ आने के लिए, तो हमें तो जाना ही है अपने बेस तक, लेकिन जाने से पहले जरा सम काम धाम कर लें। थैंक यू सो मच यारा, लास्ट वीडियो वॉच डॉग्स वाली। मैं ये सोच रहा था कि कुछ इसमें दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ सीन्स सेक्सी टाइप के थे तो मुझे लगा कुछ इशू ना हो जाए, बट नहीं हुआ। ठीक है, वीडियो इज़ ऑल गुड, बस गाने वाने हैं तो कॉपीराइट क्लेम है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलता है। बट वो सीन्स जो थे उसमें, उसको लेकर थोड़ा डरा हुआ था मैं, ठीक है कोई बात नहीं। और आपको मालूम हुआ पूरा पूरा का पूरा धूम धड़ाके से भरा हुआ मिशन था वो, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जरा मैं यहाँ भी, डिस्ट्रॉय हो गया कंटेनर, चार नहीं बचा है अभी। एक मिनट, टॉप टारगेट लॉक करना होगा, उसके बाद ही मार सकता हूं मैं। अब बढ़िया, बेहतरीन। ओ माय गॉड, कौन है ये? हेलो, ओहो, टारगेट पहले लॉक करना होगा, उसके बाद ही इनकी ले सकते हैं। काफी अच्छा खेल रहे हो सामने वाले भी, मैं तो बचाने वाला काम। एक मिनट छोड़ो इसको, हम पहले टारगेट डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर निकलते हैं यहां से। ओके, बढ़िया। निकलो। फॉल बैक। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। ये दो चीज़ें तुम्हारी हो चुकी है, अब लेके चलते हैं मैं सीधे मडोरा साहब। नहीं, और भी होंगे ना? हाँ और भी है, हॉल ओमेगा में चलते हैं, यहाँ भी चलते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे उड़ रहा हूँ, यहाँ पे सेफ नहीं है, बिकॉज अगर आप बहुत ऊंचाई पे उड़ते हो इस जगह पे, तो जो ये ड्रोन का काफिला है वो आपको देख लेता और आपको दिक्कत हो सकती है उससे। आई होप ये लास्ट बैटरी होगी, बट सिक्योरिटी भी उतनी तगड़ी होगी यहाँ भी, नो डाउट। ये रहा, बढ़िया। निकलो। Sure you want to destroy the schematics?
There is some good that can come from your invention. Destroy data server. Let's go. All right, so अब हमें अगले मिशन के लिए जाना पड़ेगा मिस मडेरा को लेके इनके डेटा फाइल्स की ओर, क्योंकि बाकी कंटेनर तो हमने उड़ा दिया है, लेकिन जो रिसर्च इन्होंने कर रखा है वो भी खतरनाक है, गलत हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। तो हमें वो डेटा फाइल्स भी उड़ानी है, ख़त्म करनी है, डेटा जो सर्वर है इनका वो भी। सो वहाँ जाने के लिए फिलहाल मैंने यही चौपट चूज़ किया क्योंकि मुझे ठीक लग रही है, टारगेट वगैरह लॉक करने में काफ़ी अच्छी है ये। तो चलते हैं वहाँ पर और डिस्ट्रॉय करते हैं उसे भी। अब कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके हम इस चॉपर का इस्तेमाल करते हुए ही उस डेटा सर्वर को उड़ा, एक मिनट कोई है, पहले इनको निपटा दे वरना ये ऐसे मार देंगे। और इन्हें खत्म करना बहुत जरूरी है वरना ये दिक्कत कर देंगे। मशीन गन अगर होती इसमें तो थोड़ा सा, नहीं यार निगेटिव पॉइंट होता फिर वो, क्योंकि लॉक नहीं कर पाते ना उसको वैसे भी हम। कम ऑन, अब तो सुना मैंने पबजी में भी आने वाला ये सब चीज़ें, चॉपर वगैरह लोग वहाँ भी मजे लेंगे। अब चलो ठीक है, लेट्स डू इट। वाओ, एक हो गया, दूसरा यहां पे है। एक शॉट और चाहिए। कोई है कुछ तो है लेकिन एक मिनट, बढ़िया, लेट्स गो। अभी को लेके चलते हैं स्किल के पास, यहां काम हो चुका है। अब फाइनली, यानी कि अब इतने मिशंस के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, फाइनली मैं इनको लेके जा रहा हूँ जहाँ मुझे इनको लेके जाना चाहिए था, स्किल से मिलाने के लिए ताकि ये वायरस बना सके। बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ी इसके पीछे। Hey, I'm your ally against evil drones and wraiths with machine guns. Thank you for everything. Okay, let's fix the mess I started. How far are you? Basically, the architecture it's giving me trouble. You are hopeless without me. You got some work to do. मिस पॉला मडेरा का जो मिशन था वो समाप्त हो चुका है, उसे हम लेके आ चुके हैं फाइनली स्केल में, स्केल का मुलाकात हो चुकी है, तो अब वो वायरस बनाने के काम में लग जाएगी। लेकिन अब हमारा मिशन टारगेट थोड़ा सा चेंज हो चुका है और बदल गया है, फ्लाई कैचर को कैश करना है। फ्लाई कैचर कौन है? ये वो बंदा है जो एज अ वेपन्स का, हथियारों का, टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज्यादा कह सकते हो आप इसे, लेकिन ये इसे ज्वाइन कर लिया है हमारे मेन एनिमी को। और इसे पकड़ने का मतलब, इसे मारने का मतलब, या फिर इसे कैच करने का मतलब कि एक काफ़ी बड़ा जो सपोर्ट है अपने मेन एनिमी का वो हम तोड़ देंगे। तो उसे यहाँ पे जो ग्रैंड व्यू मैंशन, जहाँ पे मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे इसको कई बार देखा गया है, तो मैं वहीं पे आया हूँ इसकी तहकीकात करने के लिए। लेकिन मैं करीब जाना नहीं चाहता, मैं आराम से यहाँ उतर के पहले माहौल की जानकारी लूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा हमेशा की तरह। ऑलराइट, मुझे काफ़ी सारी हलचल आके दिख रही है, मैं काफ़ी यहाँ आराम से लेट जाता हूँ ताकि मुझे कोई यहाँ पर अगर आए भी तो पहचान ना पाए, उसके बाद मैं आराम से अपने ड्रोन को डिप्लॉय करता हूँ। चलो सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी है यहाँ पे। वैसे ये मिशन मुझे नहीं खेलना चाहिए अभी, रीज़न ये है कि इसके जो लेवल मांग रहा है इसके लिए काफ़ी हाई मांग रहा है, अप्रॉक्स 70+, और मेरा भी 30 के अराउंड में है, तो सामना जो होगा मेरे खतरनाक एनिमीज से होगा वो तो तय है, लेकिन फिर भी ठीक है लेट्स सी क्या होता है। अब जो भी खबर मिलेगी वो इसी, no.
मेंशन के अंदर ही मिलेगी। वाह अलेक्सा, चलो फिर चलते हैं। आई होप यहाँ पे मामला संगीन होगा, ये तो पता है, बट लेवल्स भी काफी हाई है। ठीक है कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू डू द मिशन इन स्टिल्थ मोड, बट जहां तक हो पाया पॉसिबल स्टिल्थ मोड में कंप्लीट करेंगे। बाकी तो 1 2 3 4 5 नहीं, ऐसे मारना सही नहीं रहेगा। या फिर सही रहेगा। वाओ ये बढ़िया था। चलो फटाफट लूटपाट करते हैं। इनके पास देख रहे हो आप वेपन्स कितने खतरनाक, आइटम्स कितने मस्त मस्त हैं, रेयर आइटम्स ब्लू ग्रीन सभी मिल रहे हैं यहाँ पे। वाह एक अच्छी चीज़ है यार, कम से कम अब हार्ड मिशन खेलने से ना जो मेरे वेपन्स हैं वो थोड़े अपग्रेड हो जाएंगे, हमें अच्छी अच्छी आइटम्स यहाँ मिलेंगे तो अगले मिशन से जाने ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पावर वगैरह थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे वेपन्स की जो पावर है इस टाइम वो 30s 40s में ही मूव कर रही है। स्नाइपर की 100s में है, 100 to 120 में है, और मेरा जो पिस्टल है उसकी है प्रॉक्स 25 to 40। सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मूव कर जाएंगी, मतलब थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएंगी। यहाँ पे और कोई सिक्योरिटी नहीं है, इतनी थी शायद। चलो बढ़िया, अगर आप सोचते हो कि सब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके इन्वेस्टिगेट कर, तो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पे वेपन्स जो होते हैं ना वो छुपे हुए हैं, हिडन है जगह जगह पे। तो उन्हीं की लोकेशंस जो हैं वो यहाँ थोड़े बहुत इंटेल में मिल जाती है हमें, ताकि अगर अगली बार कभी हम जाएं वहाँ उस लोकेशन पे। हेलो मैडम, मुलाकात तो इनसे कर रही है, थोड़ा मैं छानबीन करना चाहता हूँ ताकि अगली बार अगर कभी वहाँ जाएं तो हमें आइडिया रहे कि वो वेपन्स कहाँ पे छुपे हुए हैं, ताकि उसको आसानी से हम ग्रैब कर सकें। LMG, चलो ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही है, अगर फ्यूचर कभी उसके आसपास जाना हुआ तो आइटम ले लेंगे हम। फिलहाल मैडम से बात करते हैं। You're not hurt. Let's get you out of here. I'm not going anywhere. And why should I be hurt? Ah, shit. You weren't Flycatcher's hostage, were you? Quite the contrary. It's rare to meet someone who actually values innovation. Rarer still that they're willing to provide fair compensation. In other words, Flycatcher paid you to upgrade his drones. So what? To hell with all those innocent people who got caught in the middle? Progress is a scale. In order for someone to gain, someone else has to lose. I'm just playing by the rules. You're a horrible person. I didn't make this world, but I'd rather live in it than be dead. Well, the minute people got hurt, you stepped into a different game. And here, I make the rules. And now that we're talking about your life, you still want to play? Or do you want to tell me where Flycatcher is? He's testing the new drones. Somewhere in restricted area 1. Wow. That's all I know. चलो ठीक है, फ्लाई कैचर से आपकी मुलाकात एक बार पहले हो चुकी हो, एक मिनट। तो यहाँ पे है ओमेगा फॉल्कन्स। Intel is in the training center towers top blue lake workers in assembly hall omega weapons dekh rahe ho aap weapons yahan pe niche omega operations must hold documents about flycatcher ki jankari yahan milegi theek hai to yahan chalte hain fir yahan pe xp aur items kafi mil kyunki yahan pe enemies bhi khatarnak se ek minute yaar koi yahan pe hai kya aisa kyun dikha raha hai
Okay, someone. कोई था वहाँ. Anyway, let's go. So, फ्लाई कैचर से आपकी मुलाकात एक बार पहले हो चुकी है. अगर आपको सॉरी अगर आपको ध्यान में हो तो एक बार जब हम लास्ट मिशन में जहां पॉला मडेरा के साथ था. एक मिनट, कितनी दूरी पे है ये? नहीं यार दूर है, चॉपर से ही जाना पड़ेगा, चॉपर से ही जाना पड़ेगा. मैं यहाँ पे हूँ, वही यहाँ पे. हाँ चॉपर ही लेते हैं. सो जहाँ पे मैं पॉला मर्डर को बचा के लेके जा रहा था ठीक वहीं पे उसे मुलाकात आपने देखा होगा. लास्ट टाइम वो चला आया था अपने बंदों को लेके मुझे मारने के लिए, हमें मारने के लिए. और वो मिशन अभी काफ़ी हाई लेवल का था बट मैंने कंप्लीट किया था, मैंने कंप्लीट कर लिया था. बट वो रिकमेंड नहीं था, मतलब उसके लिए जो रिकमेंडेड लेवल था मेरा काफ़ी हाई था. बट क्योंकि फ्लाई कैचर सीधे मुलाकात वहाँ पे होने वाली थी, उसके बंदे थे, बट किसी तरह हो गया था. और वहीं मुझे मालूम चला ये एक बहुत ही गंदी बात जो मुझे इस गेम के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. मुझे बहुत ही गंदा लगा जान के, बहुत दुख हुआ जान के. घोस्ट रिकॉन वाइल्ड लैंड की तरह या उससे अपोजिट कह सकता हूँ, यहाँ पे आपकी टीम नहीं मिलती है. यहाँ पे अगर आपको टीम चाहिए तो फिर आपको ऑनलाइन ऐड करना होगा. वाइल्ड लैंड में चीज़ नहीं थी यार, वहाँ पे आपके तीन साथी होते थे. दैट्स वॉज अमेजिंग चीज़ जो आपको एक चॉपर में बैठ के हेल्प मिल जाती थी काफ़ी सारी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे आप सोलो मिशंस खेलते हो और आपको साथ में अगर जाना है, खेलना है, तो आप एक टीम बनाओ अपनी, ऑनलाइन ऐड करो, उसके बाद आप खेल सकते हो. ये मुझे उस मिशन मालूम चला क्योंकि वो मिशन अकेले कंप्लीट करने के लिए था ही नहीं. वो तो मैंने कर लिया था, बात अलग है, बट अकेले करने के लिए नहीं था. खुद सोचो एक पीठ भी आप एक लड़की को टांग के आप इतने दूसरों को मारते हुए आगे बढ़ रहे हो. सो टफ था मिशन बट ठीक है. चलिए फिर यहाँ चलते हैं. यहाँ पे मुलाकात तो यहाँ पे अभी नहीं होगी फ्लाई कैचर से, उसके बारे में जानकारी मिलेगी. लेकिन हमें कुछ थोड़ा मैं चेक कर लूँ, मेरे पास आइटम ठीक है ना, सब ठीक है. मैं काफ़ी पहले उतर तो नहीं गया ना? हाँ यहाँ रास्ता तो है. ओह माय गॉड, हीट बहुत 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 ज़्यादा है यहाँ पे. वैसे भी मिशन धीरे धीरे टफ होने वाले हैं तो हीट बढ़ना लाजमी है. ओके. एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा माहौल जान लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं. There's snipers all over this settlement. I ain't seen them. That's kind of the point, dipshit. Rifleman. Hey, baby. ओहो, इन सबको पार करते हुए मुझे यहाँ पे आना. एग्जैक्ट बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो ओ भाई साहब यहाँ ये पूरा गढ़ बना रखा है इन्होंने पबजी के फील्ड की तरह. एनीवे मिशन तो कम्प्लीट करना ही है उसके लिए. अच्छा मुझे यहाँ पे आना है इस टावर में. ऑल राइट. ओहो हो हेलो. चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि काफी धूम धड़ाका यहाँ पे होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं. ऑल राइट यारा चलते हैं. थोड़ा सा होगा ये टिपिकल, लेकिन मजा आएगा. बस मुझे ध्यान रखना है कि कोई भी सिविलियन यहाँ पे ना मारा जाए. एक मिनट, यहाँ पे हीट क्यों दिखा रही है? कौन है यहाँ पे? मैंने मार तो दिया इसको, फिर क्यों? अच्छा ये इसे डीएक्टिवेट करते हैं वरना ये बात दिक्कत कर देगा. बढ़िया. आराम से कदम फूक कर, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा बेस है, दुश्मन बहुत सारे हैं और अपग्रेडेड लेवल के हैं काफ़ी सारे. खतरनाक से मुझे ये प्रिजन जैसा क्यों लग रहा है?
इनको आज़ाद तो कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। मैं एक बार झेल चुका हूँ ना, जैसे इनको आज़ाद करूँगा ये सारी बंदूक लेके यहाँ वहाँ बड़बड़ाने शुरू कर देते हैं, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है उस चक्कर में। कभी मैं नहीं करूँगा ऐसा। पहले मैं जरा सा यहाँ पे शांति से मिशन कंप्लीट कर लूँ और मुझे याद रहे कि इनको आज़ाद कराना है। डन ना, मामला ज्यादा संगीन तो नहीं हुआ, गोलियां चली तो है, बट थोड़ा सा डाउट हुआ है, थोड़ा सा एक बंदे को डाउट हुआ है आगे। एक मिनट एक काम करते हैं, आराम से सबको थोड़ा बहुत डाउट हुआ है, बस किसको किसी को लोकेशन नहीं पता, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि सारे घेर लेंगे यहाँ पे आके। ये ड्रोन्स, ये खतरनाक चीज है यार, बहुत आई हेट दीज ड्रोन्स। ऑलराइट लेट्स गो, मिशन पे ध्यान देते ना, हमें जाना इस तरफ इस टावर के ऊपर। शिट, फटाफट पहले खुद को सिक्योर करते बाद में। तो वाओ ये बढ़िया, चलो स्किल पॉइंट से मैं एक्सपी ही बढ़ाऊंगा अपना, ताकि एक्सपी जल्दी से जल्दी बढ़े, ताकि पॉइंट्स जल्दी मिलेंगे तो लेवल हमारा जल्दी अपग्रेड होगा। बढ़िया, अच्छी चीज है, यहाँ पे काफी सारी पॉइंट्स कवर लेने के लिए बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा मुझे मारना मुश्किल होगा इन लोग के लिए, चाहे एनिमीज कितने सारे क्यों ना हो, यहाँ पे मुझे मारना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। वैसे मैं लूटेरा हूँ मैं पहले आइटम लूट लूँ उसके बाद आप लोग पे ध्यान देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट एक मिनट। कम ऑन कर। अरे आ जा ना, पहले खुद को बता लो चाचा। यहाँ लड़ने मजा आएगा, बस मुझे आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़। मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, अपने कीबोर्ड, अपने माउस, अपने ईयरफोन जो मैं यूज करता हूँ गेमिंग के लिए, आप एक बार लेके देखना, काफी सस्ता है, बहुत महंगा नहीं, बहुत बहुत सस्ता है जो ईयरफोन यूज करता हूँ, लेकिन गेमिंग के लिए ही है वो, जब गेम खेलते हो ना उसको लगा के तो पूरा क्लियर आवाज़ आती है, उसके जो बेस वेस है बहुत धाकड़ है, कि एनिमीज कहाँ से आ रहे हैं, उनके कदमों की आवाज़ वगैरह बहुत क्लियर सुनाई देती है कान में, लेफ्ट में हो तो लेफ्ट से, राइट है तो राइट, मतलब बहुत प्यारी है। मैं एक बार बना के एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई और है यहाँ पे, कोई तो है, कुछ जानकारी मिल सकती है यहाँ पे, नहीं। ओके
Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. कहाँ? अच्छा ये रहा. ओके एक बार एक निकाल लूँ, थोड़ा सा क्रेट वेट चेक कर लूँ. मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप क्रेट छोड़ देते हो. दरअसल मैं क्रेट छोड़ता हूँ क्योंकि मिशन चाहता हूँ ना कि वो लंबा फालतू हो जाए, इसलिए करता हूँ यारा. बट थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ध्यान तो रखते हो कि हाँ मुझे भी लूटपाट करनी चाहिए. तो ठीक है, थोड़ा सा क्रेट वेट में ले लूँ क्योंकि मिशन में काफ़ी काम आते हैं ना चीज़ें. आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो अपग्रेड होंगे एनिमी साथ में साथ, खुद को अपग्रेड करना भी जरूरी है वक्त के साथ साथ, तो ठीक रहता है. वॉट इज ओके कैप एनीथिंग एल्स. अब चलते हैं एक हाँ ये भूलना नहीं है मुझे, उन बंदों को आज़ाद कराना है वहाँ से. बट फिलहाल मैं अपना एक बार मिशन यहाँ कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद उन्हें आज़ादी दिलाऊंगा. अब इस टावर पे जाना है हमें ऊपर. वाओ ऑसम. एनीथिंग यूजफुल? लोकेट द ड्रोन. बढ़िया. वैसे यहाँ पे मैं आराम से जल्दी जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई रेड जोन का कुछ मार्क नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे कोई एनिमीज मैं उम्मीद करता हूँ कि नहीं होंगे. ओहो लिफ्ट उफ्ट नहीं है क्या यहाँ पे? ऑलराइट सो आई मीन थोड़ा इन्वेस्टिगेशन. एक ये देख रहे हो आप फोटो सामने डायगोरो की, फाइंड फ्लाई कैचर, यही चाहिए हमें. ओके फ्लाई कैचर बेस इज ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द स्टेट एरिया, वर्क असेंबली हॉल ऑफ मेगा. जानकारी तो मिल गई है लेकिन मैं यहाँ से जाने से पहले छानबीन कर लूँ, कुछ आइटम्स और हों हमारे लिए. तो वैसे मेरे काम का तो कुछ नहीं है बट निकलते हैं यहाँ से निकलते हैं. अब चल के पहले उनको आज़ाद कराते हैं, उन बंदों को जिनको मैंने वो कर रखा था प्रिजन के अंदर बंद रखा था, उसके बाद फिर निकलते हैं आगे फ्लाई कैचर के लिए. कम ऑन गो 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 चलते हैं यार. अब किसी को लिफ्ट चाहिए? एनीवन? ठीक है तो तुम लड़ो फिर मैं जा रहा हूँ. यहाँ बाइक नहीं है क्या? अच्छा कोई बात नहीं. लास्ट वाले मिशन से हमें मिल चुका है लोकेशन फ्लाई कैचर का, जो बेस है वो यही है जहाँ मैं अभी आया हुआ हूँ. लेकिन ये बिल्कुल छोटे से आइलैंड की तरह है घिरा हुआ चारों तरफ से पानी से, तो मैं यहाँ पे ऐसे जंप नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे अंदर जाऊँ. आइए फिर कैच करते हैं फ्लाई कैचर को और इस देखते हैं कि कौन सी जानकारी उनसे हमें मिलती है जो मुझे मेरे मेन टारगेट के करीब लेके जाए. यहाँ पे एनिमीज तो होंगे ही ना, इतना शांत इलाका तो नहीं होगा जितना ये लग रहा है देख के. हाँ भाई हीट है, हीट है, हीट है, हीट तो है. About Herzog, she was my kind of crazy. आवाज तो आ रही बट किसकी आ रही का? अच्छा यहां से आ रही है. एक काम ना करें, पहले आगे बढ़ने से पहले जरा हम माहौल देख लेते हैं ना, इससे काफी ज्यादा आसानी हो जाती है. कहते हैं ना अपने दुश्मन को जान लेना आधी जंग जीत लेने के बराबर है, तो वही कर रहा हूं मैं यहां पे. कम ऑन टैग हिम. क्या हो रहा है ये? ब्रो टैग हिम. टैग नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे. ओह ओह हाँ अच्छी बात है, जब मैं टैग नहीं करना जब करीब पहुंच गया तो तुम क्या मजाक है यार ये. खैर बग्स हैं इस गेम में, बग्स तो हैं. बढ़िया
लो अभी आया नहीं मैं कि मेरी आने की खबर पहले ही हो चुकी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना होगा। यहाँ पे एक चॉपर भी है ताकि यहाँ से निकलते वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो। आराम से आराम से आराम से, इतनी जल्दी में कहाँ हो सरकार? जंप बॉय, यह आने को ऐसा कोई मतलब तो नहीं था, बट ठीक है आ ही गए तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। फाइंड फ्लाई कैचर, वाओ तो अच्छी बात है। तो मैं मुझे सोच के आया था कि कुछ इंटेल मिलेगी, बट यहाँ तो मेन चीज मिल गया, फ्लाई कैचर लोकेशन। वाह हा हा, ये तो आयरन मैन वाला है, उसने पूरा एक बना रखा है बेस अपना बढ़िया सा। दिस इज अ फोटो ऑफ द लोकेशन, लाइक कैचर कंट्रोल ऑफ इंट्रोडक्टर ड्रोन्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक पोजीशन फ्लाई जो लोकेशन लाओ फ्लाई जो कंट्रोल इज सर्विंग इन एरिया ऑफ स्पेस। तो ये वो लोकेशन जहां पे अपने ड्रोन टेस्ट करता है और इस लोकेशन को गेन करके पूरे एयर स्पेस को से कंट्रोल कर रखा है। चलो ठीक है, तो फिर यहां पे ओमेगा तो यहां पहुंच चुका हूं मैं। फ्लाई कैचर लोकेशन ये है, ये वो लोकेशन है जिसकी हमें फाइल मिली थी लास्ट वाले मिशन में, बट यहाँ पे लोग होंगे जो मुझे बताएंगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट है वो लोकेशन और कहाँ पे है फ्लाई कैचर। लेकिन पहले काम करते हैं, कहीं अच्छी जगह देख के पहले थोड़ा माहौल की जानकारी लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ यहीं लेटते हैं। ओके, लेट्स गो। अरे यार ये क्या बग है गेम में, कुछ भी टैग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों। अब ये कोई सेटिंग नहीं है, ये बग है गेम का यार, ये बहुत दिक्कत करेगा। लेकिन अगर ऐसे कुछ टैग नहीं कर पाऊंगा तो मैं, मुझे मालूम कैसे लगे मेरे एनिमीज कहाँ पे, फिर मैं रणनीति क्या बनाऊंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा इस सर। तो फिर वही है, अंधों की तरह पागलों की तरह से लोग खेलते हैं, वैसे खेलो, अंदर घुसो, धनाधन मारो, यहाँ वहाँ मरो मारो मारो मरो मारो, पाँच बार एक ही मिशन में घुसो कंप्लीट करने के लिए। ऐसे नहीं होता यार, कोई मतलब नहीं फिर ऐसे मुझे ड्रोन घुमाने का। फिर चलो वापस ऐसे चलते हैं, और क्या ऐसे चलते हैं फिर तो, क्या फर्क क्या मतलब बना कि मैं यहाँ बैठ के ऐसे करूँ। एक मिनट, सिक्स सेंस वाली पर्क मैंने ऑन कर रखी है जो, ताकि एनिमीज मेरे पास आए तो मार्क ऑटोमेटिक हो जाए, शायद वो काम कर जाए। बट ऐसे दिक्कत होगी ना मिशन, फिर वो आप वही अंधेरे में तीर चलाने वाला काम जिसे कहते हैं वही करोगे फिर आप यहाँ पे। एक काम करते हैं, थोड़ा ड्रोन से मुझे ये कुछ देर के लिए सेफ रखेगा। वाह, ये वो एरिया है जहां पे ये अपनी ड्रोन्स की टेस्टिंग वेस्टिंग करता है बंदा। हेलो, हेलो देयर, really use some information about this. That's everything in a nutshell. Thanks. Appreciate it. लोकेशन तो मिल गई भाई फ्लैग कैचर के, लेकिन एक काम करते हैं, निकलने पहले थोड़ी सी हम वो कर लेते ना, ये क्रेट फ्रेट से इनकी जानकारी ले लें। सामने एक स्किल पॉइंट का वो दिख रहा है, वहां चलते हैं। अच्छा खासा बेस बना रखा है इन्होंने यहाँ पे ड्रोन्स की टेस्टिंग के लिए। हेलो, ओके ग्रेट, मुझे कुछ कमेंट्स आए थे लास्ट गेम में हिटमैन को लेके, लाइक मैं ऑनलाइन खेलता हूँ ऑफलाइन। अगर आप वाओ, अगर आप नॉर्मल मिशन कंप्लीट कर रहे हो ना, अगर आपको एक्सपी नहीं बढ़ाने हैं, आपको इससे मतलब नहीं कि आपको एक्सपी अगर बढ़े आपका लेवल बढ़े तो फिर आप ऑफलाइन खेलो, कोई दिक्कत नहीं, मिशन कंप्लीट होंगे। बस आप स्नैपर वाले मिशन नहीं खेल पाओगे, वो सिर्फ तभी खेल पाओगे जब आप ऑनलाइन कनेक्टेड होगे। जो आप देखते हो ना मिशन में कंप्लीट करता हूँ वो सारे के सारे ऑनलाइन होते हैं, जो
स्नैपर वाले हैं, बाकी तो आप ऑफलाइन खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट मैप पर चेक करते कितनी दूर दिखा रहा है ये। दूर है यार, यहाँ पे तो है ही नहीं, ये यहाँ पे है, यहाँ बना रखा है इसने अपना बेस, ये रहा। चलें आज ही या नेक्स्ट मिशन, नहीं आज चलते हैं, मेरे पास वक्त, मैं खेल सकता हूँ। अरे हटाओ इसको जूते को। कौन है ये जो देख पा रहा है मुझे? अब निकलते हैं यहां से। एक मिनट, एक ये ले लूं पहले, फिर निकलूंगा। अभ्यास निकलना, अभ्यास निकलता यहाँ ज्यादा देर रुकना, मतलब अब हो जाएगा पंगा पैच पे। हेलो, निकलो यहाँ से, निकल लो। कोई चॉपर ऊपर नहीं है ना यहाँ पे, अब कार वार है वैसे। What the hell? हेलो माय डियर किंग्समैन, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना और ऑल सेलेक्ट करना, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। तो यहाँ पे कहीं पे है इसका बेस, जहाँ पे मैं, मुझे आना था फाइनल मारने के लिए इसको। इस फ्लाई कैच, एक काम करते ना यार, ये वाला मिशन मुझे लगता है क्योंकि मेन बॉस है ना ये, तो इसे, इस मिशन को हम आज नहीं। एक रास्ता यहाँ पे और है जो लेफ्ट जा रहा है और एक सीधा जा रहा है, तो ये वाला मिशन हम नेक्स्ट वाले में कंप्लीट करें। वाह हेलो, बिकॉज ये वाला देखो, आप भीड़ देखो एक बार, इतना आसान नहीं होगा, और एक और ये बॉस है इस मिशन का। तो एक काम करते हैं आज, आज रहने देते हैं इसको, हम इसको नेक्स्ट मिशन में कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच यार वॉच करने के लिए आज का ये वीडियो, और अगले मिशन में मैं फ्लाई कैचर को मारूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप वो मिशन देखना नहीं भूलोगे, क्योंकि यार इतना सारा हमने मेहनत की है यहाँ पे आने के लिए, और सिर्फ उसके लिए तो फिर आप वो मिस करना नहीं चाहोगे। सो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे मेरी। ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, मैं एक बंदे को और मार लूँ, मतलब कन्फर्म हो जाऊँ कि किस आवाज़ में दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है ये आवाज़। हाँ यार ठीक है, ठीक है तो ये मिशन में नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे हम जाएंगे फ्लाई कैचर, क्योंकि वो बॉस है तो गेम थोड़ा टिपिकल होगा, थोड़ा टफ भी होगा, लेकिन देख के मजा आएगा आपको। सो नेक्स्ट मिशन देखना मत भूलना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आज कोई कोड नहीं है, बिकॉज ऐसा ही मन नहीं है। ठीक है, सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप आप लोग को ये गेम प्ले देख के मजा आया होगा। सो हैव फन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।